एक अच्छा UI UX डिजाइनर उसे माना जाता है जिसे पता हो कि इंटरैक्टिव एलिमेंट जैसे एक बटन राइट पे रखना है या लेफ्ट पे रखना है, फिंगर्स के कितने पास होगा, ताकि वो अपने यूजर को स्मूथ एंड मीनिंगफुल एक्सपीरियंस दे सके। लेकिन अब शायद आप बटन के पास चल के जाओ या फिर बटन खुद चल के आपके पास आए। यस, दैट्स UI UX इन AR। AR बोले तो augmented reality. Apple's been working on an augmented or virtual reality headset for a number of years. But we are very much continuing to invest in the AR space, and we see it as a key part of where we're headed with ambient computing in the future. We're announcing that we're developing a custom augmented reality Snapdragon chip for next generation power efficient, very lightweight AR glasses. For the Microsoft ecosystem. And you've got companies, some of the giants of the world, the likes of Apple, Microsoft, Facebook, etc., looking into this AR space, also developing headsets. देखो, as a graphic designer, मेरे life में बहुत सारे ऐसे point आए जहां मुझे लगा कि हाँ, मुझे भी UI UX सीखना चाहिए। लेकिन जब मैं कोई वेबसाइट या किसी ऐप का पेज जब मैं डिज़ाइन करता था, तो वो ऐप का पेज कम और एक ग्राफिक ज़्यादा लगता था। मतलब देखने में तो वो बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन जब बात आती थी यूजर एक्सपीरियंस की, तो वो उतना सही नहीं होता था, क्योंकि वो ग्राफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा था, लेकिन UI UX के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं था। तो फिर मैंने ये बात मान लिया कि देखो भाई, UI UX अपना काम नहीं है, अपना फील्ड नहीं है। अगर मुझे इसको सीखना भी होगा तो मुझे इसे बहुत टाइम देना पड़ेगा, या फिर हमें शुरू से शुरू करना पड़ेगा। जो चीज़ पे, जिस चीज़ में मेरा होल्ड है, मैं उसी पर रहूँगा, जो है ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, फिल्म मेकिंग या फिर फोटोग्राफी। तो यही अपना होल्ड है। और फिर तभी उसी दिन मेरे पास में एक फ़ोन कॉल आता है, और उस दिन डेट था 17 मार्च 2022। मैं इसी साल की बात कर रहा हूँ। सामने से एक बंदे ने बोला कि मुझे आपका नंबर इंटरनेट से मिला है और मुझे एक UI बनवाना है और मैं आपसे बनवाना चाहता हूँ। तो फिर मैंने उनका बोला कि सर, मैं ग्राफिक तो बनाता हूँ लेकिन मेरा UI UX में इतना होल्ड नहीं है। आप बोलोगे तो मैं किसी को रेफ़र कर दूंगा, लेकिन ये चीज़ मैं नहीं बना सकता, क्योंकि अगर ग्राफिक का कोई काम है तो बताओ, इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो उसने बोला, नहीं, हमें तो यूज़र इंटरफेस ही बनाना है, लेकिन आपसे ही बनवाना है, क्योंकि मुझे आपका ग्राफिक बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बोला, सर वो ग्राफिक अलग होता है और UI UX अलग होता है। कह रहा, वो मुझे पता है, हम खुद एक UI UX की एजेंसी चलाते हैं और हमें पता है कि ग्राफिक और UI UX क्या होता है, लेकिन हमें UI UX में ग्राफिक स्टाइल का ही चाहिए। मतलब हमें UI UX तो चाहिए, लेकिन हमें ग्राफिक को बहुत ही कलरफुल, बहुत ही अट्रैक्टिव, जिस टाइप का ट्रेंड या जिस टाइप का थीम आप फॉलो करते हो, मुझे वही चीज़ यहाँ पे चाहिए। तो फिर मैंने बोला, है ये किस टाइप की बातें ये कर रहा है। तो मैं उससे ना कुछ पूछना चाहती कि सर, ये आप कौन से ऐप के लिए बना रहे हो, ये कहाँ पे जाएगा, ये एंड्रॉयड है, वेबसाइट है या फिर iOS के लिए कहाँ जाएगा। तो सामने से जवाब आता है कि ये AR के लिए हम बनवा रहे हैं। AR मतलब augmented reality। उन्होंने मुझे बताया कि हम एक बुक पे काम कर रहे हैं जो टोटली डिफरेंट टाइप का बुक है, जिसे आप पढ़ भी सकते हो और जिसका AR कोड स्कैन करके वो सारी चीज़ें आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो। तो हम इस टाइप के बुक पे काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जो उसका यूज़र इंटरफेस बने, वो बहुत ही कलरफुल और बहुत ही अलग जोन में, भले अलग वर्ल्ड में आपको ले जाए, उस टाइप की वो चीज़ें वहाँ पर बने। तभी मेरे दिमाग की बत्ती जल गई और मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो जब भी मैं कोई चीज़ का रिसर्च करता हूँ कि नया सर्विस मार्केट में क्या आ रहा है, तो सबसे पहले मैं फाइबर पे जाकर चेक करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे सारी दुनिया के आर्टिस्ट वहाँ पे है, या सारी दुनिया के वहाँ पे लोग हैं जो अलग अलग सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो मैंने वहाँ पे सर्विस जाकर सर्च किया, तो मैंने देखा कि लोगों ने ऑलरेडी AR पे सर्विस देना स्टार्ट कर चुके हैं। तो फिर जब मैंने वहाँ पे देखा कि लोग यहाँ पे AR ऑगमेंटेड रियलिटी की सर्विस दे रहे हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी वाले विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, तो मुझे लगा, यार ये कोई मजाक तो नहीं है, ये तो हम साईफाई जैसा लग रहा है, ये क्या रियलिटी में ये चीज़ हो सकता है। तभी मेरे ध्यान गई न्यूज़ के ऊपर। न्यूज़ में हर एक लीडिंग कंपनी अपने स्मार्ट ग्लास को, अपने AR ग्लास को पुश करने में लगी हुई थी। We have spent years researching how VR, AR and mixed reality technologies can enhance daily life. And we are now ready to showcase this vision through TCL Linyao AR. Our first AR smart glasses. So let me show you our latest innovation, the Geo Glass. I wanted to showcase their work in an augmented reality gallery in 3D and show them in a light that is beautiful and just inspirational. Now I can actually walk around and see what I'm capturing and get.
saying, just transcribed for you in real time, kind of like subtitles for the world. तो फिर जब मैंने इस चीज़ को ध्यान दिया तो मैंने अपने आसपास की चीज़ों को एनालाइज़ करना स्टार्ट किया कि जब कुछ साल पहले जब मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता था तो मेरे पास में एक बहुत मोटा सा बुक आता था मेन्यू का, और अब जब मैं सेम रेस्टोरेंट में अब जब मैं जाता हूँ तो वहाँ पर सिर्फ एक QR कोड होता है जिसको मैं स्कैन करता हूँ, मैं ऑर्डर भी वहीं से प्लेस कर सकता हूँ और मेन्यू मेरे फ़ोन पे और व्हाट्सएप पे भी मेन्यू मेरे आ जाता है। तो क्या QR कोड का नेक्स्ट अपडेट AR नहीं हो सकता है? हो सकता है, और लोगों ने ऑलरेडी करना स्टार्ट कर दिया है कि जैसे आप मेन्यू पढ़ते हो सकता है कि मेन्यू आपकी आंखों के सामने आ जाए खुल के, और ये सिर्फ हो नहीं सकता है, ये बेसिकली हो रहा है। जब हम UI/UX की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में वेबसाइट या ऐप आती है, लेकिन जस्ट आप इमेजिन करो कि आपने जैसे ही अपना चश्मा लगाया आपके आसपास की सारी चीजें UI में होगी। यही है लाइफ इन UI। मेरा नाम है राजीव मेहता और मैं एक ग्राफिक डिजाइनर और एक स्टोरी टेलर हूं। इस बार मैं निकला हूं लाइफ को टाइपोग्राफी की नजर से देखने, लाइफ को डिजाइन की नजर से देखने और लाइफ को UI की नजर से देखने। इस सफर में हम सिर्फ डिजाइन सीखेंगे ही नहीं, हम डिजाइन को जिएंगे। तो आइए मेरे साथ और सीखिए, जानिए, समझिए जिंदगी को ग्राफिक डिजाइनर की नजर से। जब मेरे माइंड में इस सीरीज के बारे में प्लान आया था कि यार मैं कुछ ऐसा सीरीज बनाने वाला हूँ, तो मुझे लगा यार चलो कुछ परसेंट लोग इसमें देखेंगे और कुछ परसेंट लोग इसको मानेंगे, लेकिन हर दिन एक नया अपडेट आ रहा है। इस शो का प्लान मैंने आज से 1-1.5 महीने पहले किया था, लेकिन उस दिन के बाद से हर रोज कुछ ना कुछ AR में डेवलपमेंट हो रहा है। तो फिर जब मैंने इस शो का नाम रखा था लाइफ इन UI, तो उसके नीचे मैंने टैगलाइन लिखा था सेल्फ लर्निंग सीरीज बाय राजीव मेहता। मैंने ये नहीं लिखा था कि भाई UI/UX सीरीज बाय राजीव मेहता या फिर क्रिएटिव सीरीज बाय राजीव मेहता, मैंने लिखा था सेल्फ लर्निंग, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई हो सकता है कि सामने वाला ना सीखे लेकिन मैं ये खुद सीखना चाहता हूँ। तो फिर अगर कोई मेरे बात से नहीं भी एग्री करे कि हाँ भाई चलो अरे AR/VR तो कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ मूवीज में दिखाते हैं, रियल लाइफ में तो कभी आ ही नहीं सकता, तब भी मैं उसको बोल पाऊंगा कि भाई ये सीरीज आपके लिए नहीं है, मैं खुद AR सीख रहा हूँ और ये मुझे खुद के लिए ये सीरीज मैंने बनाई है। देखो मेरा मानना ये है कि आपको UI/UX वही सिखा सकता है जो एटलीस्ट 5 या 6 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हो, क्योंकि UI/UX एक टर्म्स नहीं है या ये एक नाम नहीं, एक वर्ड नहीं है, ये बेसिकली बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको देखना पड़ता है। UI तो जस्ट एक इंटरफेस डिज़ाइन करना है, मेन काम होता है यहाँ पे UX का। UX में सारा काम ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर है कि आप कहाँ क्लिक करते हो, क्या क्लिक करते हो, कलर्स को लेकर कैसे रिएक्ट करते हो, बटन पे कैसे रिएक्ट करते हो, मतलब सारा का सारा खेल जो है यहाँ पे डेटा का है। जिसके पास ज़्यादा डेटा है, ज़्यादा समझ है, वो अच्छा यूजर एक्सपीरियंस यहाँ पे बना सकता है। आप कोई भी वेबसाइट विजिट करते हो, AI आपके हर क्लिक, हर स्क्रॉल, हर बिहेवियर को अपने पास स्टोर करती जाती है और उसको एनालाइज करती है, फिर वही डेटा यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर्स जो हैं वो हासिल करते हैं AI से, और उस पर फिर डिसीजंस लेते हैं कि क्या चीज़ कैसे रखनी है, कहाँ रखनी है। तो फिर यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मेन काम है वो है डेटा का, और डेटा AI के पास है। तो ये जो UI वाला पार्ट है, जो UI इंटरफेस डिज़ाइन वाला पार्ट है, बहुत ही अच्छे से AI सिस्टम यूजर इंटरफेस का डिज़ाइन बहुत अच्छे से कर सकता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सारा इंडस्ट्री के जितने भी एक्सपर्ट है सब यही बोल रहे हैं कि जो AI है वो UI वाला काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो UI/UX एजेंसी चलाते हैं, बहुत टॉप की एजेंसी चलाते हैं और बहुत ही अच्छा अच्छा ऐप इन्होंने डिज़ाइन किया है। उनका भी यही मानना है कि देखो यूजर एक्सपीरियंस अलग चीज़ है, UI वाला पार्ट
AI से अच्छा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमें चीजों को ऑटोमेट करना है। जब तक हम चीजों को ऑटोमेट नहीं करेंगे तब तक हम नेक्स्ट फेज में कभी जा ही नहीं पाएंगे। जब खुद ही सोचो ना यार, कौन सोचता है कि मुझे पूरी जिंदगी भर यूजर इंटरफेस ही बनाना है? मतलब कौन है जो सोचता है कि मुझे पूरे लाइफ में सिर्फ एक ही काम करना है? यहां तक कि यहां प्रधानमंत्री भी जो देश का बनता है वो भी अपना करियर 5 साल तक का ही सोच के आता है। 5 साल के बाद वो सोचता है कि मैं चलो देखेंगे 5 साल के बाद क्या करना है, ठीक है। लेकिन हम ये कैसे सोच सकते हैं कि मुझे पूरा जिंदगी भर वेबसाइट टेम्पलेट ही बनाना है, पूरा जिंदगी भर फेसबुक पोस्ट ही बनाना है, या पूरा जिंदगी भर यूआई इंटरफेस ही बनाना है? ऐसा नहीं है ना, ऐसा कोई भी नहीं जो पूरी जिंदगी भर एक ही काम करता है या एक ही काम करना चाहता है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब वालों की बात अलग है, उनको मतलब ठीक है, वो अलग कभी और बात करेंगे। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है जो पूरे लाइफ में सेम काम करना चाहे और सेम काम करना चाहता है, ऐसा कोई भी नहीं है। जिस ग्लास वाले बटन को, ग्लास इफेक्ट वाले बटन को आप बनाने में 1 महीने से बनाना सीख रहे हो सकता है AI उसको एक क्लिक में आपका पूरा का पूरा ग्लास वाला UI किट बना कर दे दे। तो भी UI का जो काम है वो हमें AI को ही करने देना चाहिए। और ये देखो, मेरा ये फील्ड है भी नहीं, मैं जो चीज़ें सुनता हूँ या जो चीज़ें मैं पूछता हूँ और जो चीज़ें मुझे पता चलता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्योंकि और ये आप भी समझ सकते हो भाई, जिस चीज़ का डेटा बहुत ज़्यादा है वो चीज़ हमें AI को ही करने देना चाहिए। लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी का डेटा तो किसी के पास भी नहीं है, किसी को भी नहीं पता कि वहाँ पे क्या चलेगा। लेकिन एज ए आर्टिस्ट हम ये सेंस कर पा रहे हैं कि भाई कुछ चले ना चले, कलरफुल चीज़ें, अट्रैक्टिव चीज़ें, यूनिक चीज़ें, बहुत ही अलग टाइप के आर्ट वर्क, बहुत अलग टाइप के एनिमेशन, या बहुत ही अलग टाइप के 3D वर्क, या बहुत ही अलग टाइप के ग्राफिक डिज़ाइन वहाँ पे चलने वाला है, और जिसका नाम लोगों ने NFT भी दिया है। कुछ ज़्यादा यूनिक बना दिया तो NFT में चला गया, वो एक अलग चीज़ है। वो जब VR आएगा तब हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन AR तो ऑलरेडी आ गया है। तो इतना हमें पता है कि भाई AR के अंदर जो ग्राफिक है वो बहुत ही कलरफुल, बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही यूज़र को बहुत इंगेज करने वाला होना चाहिए। तो इस चैनल पे 3 साल से आप क्या सीख रहे हो? 3 साल से हम यही तो सीख रहे हैं कि अपने डिज़ाइन को कैसे इंगेजिंग, कैसे कलरफुल, कैसे अट्रैक्टिव और कैसे अच्छा कम्युनिकेट करने वाला बनाए, है ना। जस्ट आप खुद ही अपने आप को देखो, अपना पुराना डिज़ाइन देखो और आज का डिज़ाइन देखो, आज से 2 साल पहले का डिज़ाइन देखो और अभी जो डिज़ाइन बना रहे वो देखो, क्या चेंज आया। पहले वाले डिज़ाइन बहुत ही सिंपल, बहुत सारे फॉन्ट, बहुत सारे कंटेंट होते थे, लेकिन आज के डिज़ाइन में बहुत सारे कलर्स, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती है, बहुत सारा कलरफुल या बहुत सारे लोकल एलिमेंट्स होते हैं जो आसपास की चीज़ों को आप देखते हो, चाहे फ्लावर हो या बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। तो फिर हमारा दिमाग या फिर हमारे ऑडियंस का दिमाग ऑलरेडी कलरफुल अट्रैक्टिव चीज़ों की तरफ ऑलरेडी वो चीज़ें जा रही है, और ये बात सबको पता है। और ये कलरफुल अट्रैक्टिव या जिस टाइप का हम डिज़ाइन बनाते हैं वो डिज़ाइन कौन बना सकता है? UI/UX डिज़ाइनर नहीं, वो सिर्फ हम बना सकते हैं, हम ग्राफिक डिज़ाइनर ही बना सकते हैं। तो जस्ट आप इमेजिन करो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम या फिर मोशन ग्राफिक या 3D काम कितना ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है, कितना ज़्यादा बढ़ने वाला है। समझ लो 10 गुना ज़्यादा आपके ऊपर ये चीज़ें आने वाली, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि AR के अंदर क्या कंटेंट चलेगा। और एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर हमें इतना तो पता है कि भाई चीज़ें वहाँ पे कलरफुल और बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ें वहाँ पे चलने वाली है। तो अगर हम अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हैं तो हमें अपनी फील्ड नहीं चेंज करनी, हमें सिर्फ अपने आप को अपग्रेड करना है ऑगमेंटेड रियलिटी की तरफ। जैसे कि आपने प्रिंट से डिजिटल में आए, जैसे कि आप डिजिटल से आप मोबाइल पे आ गए, उसी तरीके से आपको अपने आप को AR में अपग्रेड करना है। क्योंकि मेरा ये मानना है, मेरा नहीं पूरी दुनिया का ये मानना है कि आने वाला जो एरा है वो है आर्टिस्ट का एरा आने वाला है। और सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर ही नहीं, 3D आर्टिस्ट, 2D आर्टिस्ट या 3D एनिमेटर या 2D एनिमेटर, डिजिटल आर्टिस्ट, सबका काम बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। और ये काम बढ़े इसके लिए AI बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे पुराने काम को जो हम टेम्पलेट्स या फेसबुक पोस्ट या बाकी सारी चीज़ें बनाते हैं, इसको जब तक AI टेक ओवर नहीं करेगा तब तक हम आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा तब तक दिमाग वही चीज़ें करने में लगेगा और तब तक हम नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की तरफ कभी जा ही नहीं सकते। तो इसीलिए AI बहुत इंपॉर्टेंट है हर फील्ड में, मेरा ये मानना है और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का भी ये मानना है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखो AR VR ये मंजिल है और यहाँ तक पहुँचने के रास्ते क्या है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, UI UX, 3D आर्टिस्ट, डिजिटल पेंटिंग। तो मंजिल जब वहीं है तो आप उस रास्ते से आपको चलना चाहिए जिस रास्ते के बारे में आपको पता है। आप जब सोच रहे हो कि भाई ग्राफिक में ना मैं UI UX में शिफ्ट हो जाता हूँ, तो शिफ्ट होने के बाद उसका भी तो रास्ता वहीं जाता है। तो जो आपने ग्राफिक में सीखा है वो शायद UI UX में 5% 2% ही वो स्किल वहाँ पर काम आए। तो क्यों हमें शिफ्ट करना या क्यों हमें किसी की भी तरफ जाना, जबकि हर किसी का फ्यूचर वही है ना, हर किसी का फ्यूचर ब्राइट है,
हर आर्ट का फ्यूचर ब्राइट है, हर जितना भी चीज़ आर्ट है इस दुनिया में सबका फ्यूचर ब्राइट है। और सिर्फ मेरी मत मानो, थोड़ा सा रिसर्च भी कर लेना चाहिए, इंटरनेट पे थोड़ा सा पढ़ो, हर एक चीज़ का पॉजिटिव पॉइंट भी पढ़ना चाहिए। आप एआर के ऊपर रिसर्च करो एज ए आर्टिस्ट, एज ए यूआई यूएक्स, एज ए ग्राफिक डिजाइनर, आप एआर के ऊपर रिसर्च करो कि एआर के अंदर क्या होने वाला है, एज ए ग्राफिक डिजाइनर एआर में हमारा क्या फ्यूचर है, इस चीज़ के बारे में आप रिसर्च करो। आपके आसपास के हर एक चीज़ यूआई में बदलने वाला है, और जब आपके आसपास का हर एक चीज़ यूआई में बदलने वाला है तो वहाँ पे काम आएंगे देसी एलिमेंट्स, जो चीज़ आपके आसपास है वो एलिमेंट्स यहाँ पे काम आने वाले हैं। इसलिए मैंने बोला था गो देसी गो लोकल, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। गो देसी गो लोकल ऐसा मैंने क्यों कहा, और एआर वर्ल्ड में जो एआर टेक्नोलॉजी जो आ रहा है, जो एआर क्रिएट होगा, उसके अंदर लोकल एलिमेंट्स को और लोकल लाइफ को जानना हमारे लिए कितना जरूरी है, अगर हम ग्राफिक डिजाइनर है तो, या आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हो तो लोकल लाइफ को जानना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो ये हम समझने वाले हैं इस इमेज के ऊपर। ये एक फिशरमैन की इमेज है और ये मैंने केरला ट्रिप पे क्लिक किया था। ठीक है, और ये फिशरमैन भी एक बिजनेस कर रहा है, ये भी एक टाइप का बिजनेस ही है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि इस फिशरमैन के लिए एक ऐप या वेबसाइट बनाना है तो आप वहाँ पे कौन कौन सा फीचर डालोगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे दिमाग में फीचर आता है कि सबसे पहले तो भाई हम अबाउट द ब्रांड या अबाउट द फिशरमैन डाल दे, उसके बाद ऑनलाइन ऑर्डर स्टार्ट कर दे, होम डिलीवरी स्टार्ट करवा दे, या फिर बल्क ऑर्डर का स्टार्ट करवा दे। ठीक है, और ये चीज़ें हमें कहाँ पता चली, कुछ हमने खुद सोचा और कुछ हमें इंटरनेट पर रिसर्च करने से मिल गया। 10-12 वेबसाइट हमने फिशरमैन के देखी और हमने वो सेम टू सेम वहाँ पर डाल दिया। तो अगर आप इस टाइप से रिसर्च करके चीज़ें बना सकते हो तो ये तो एआई भी कर सकता है, और ये एआई करेगा ही करेगा, क्योंकि एआई के पास मतलब ऑलरेडी ये सारा डेटा है। लेकिन जो एआर आ रहा है, एआर के अंदर सारा का सारा मेन्यू ही चेंज होने वाला है, सारा का सारा फीचर ही चेंज होने वाला है। AR बोले तो फिजिटल, उसको बोलते हैं फिजिटल, मतलब डिजिटल और फिजिकल का मिक्स है फिजिटल। आपके सामने प्रोडक्ट भी है ना, और साथ में आपके ग्लासेस में या आपके फोन में एक मेन्यू भी खुल के आ रहा है। तो वो मेन्यू क्या होगा, वो मेन्यू ऑफकोर्स ये तो नहीं होगा कि भाई आप फिशरमैन की दुकान पे गए मछली खरीदने और वहाँ पे सबसे पहले बोला और भाई अपने बारे में बता तब मैं तुमसे कुछ लूँगा, नहीं ना, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे बेसिकली रियल लाइफ मेन्यू काम करेगा। और रियल लाइफ मेन्यू कैसे पता करें, रियल लाइफ मेन्यू मैंने यहाँ पता किया कि जब ये फिशरमैन आता था तो वहाँ पे 3 टाइम मछली पकड़ने आता था। तो मैंने सोचा भाई 3 टाइम क्यों पकड़ने आता है, तो पता चला कि सुबह कोई और मछली मिलती है, शाम को कोई और मछली मिलती है, दोपहर में कोई और मछली मिलती है। ठीक है, और हर समय उनको ताज़ा चीज़ें ही वहाँ पे डिलीवर करना होता है, और ये सेम यूज़र एक्सपीरियंस उनको मार्केट में भी मिलता है। ठीक है, मार्केट में कैसे ही वो मैं दिखा रहा हूँ, जब वो फिश लेके जाता है तो सामने से लोग पूछते हैं कि यार ये कब वाला है, सुबह वाला है या शाम वाला है, या तुमने अभी ताज़ा ताज़ा पकड़ के लेके आए। तो वो उस तरीके से बताता है कि ये जो फिश है वो सुबह मिलता है, ये जो फिश है वो मैंने दोपहर को पकड़ा था, आप उसको मैं थोड़ा सा कम रेट में दे दूंगा। जस्ट आप इमेजिन करो, आप किसी फिशर शॉप पे गए, वहाँ पे एक कोड स्कैन किया, कोड स्कैन करते आपके पास 3 मेन्यू खुल के आ गए कि सुबह वाला फिश और दोपहर वाला फिश, या फिर रात वाला, या फिर फिश या कोई भी चीज़ हो सकता है, मतलब कुछ कोई भी प्रोडक्ट आप इमेजिन कर सकते हो। जो सुबह वाला है उस पर समझ लो 10% का ऑफ है, बहुत अच्छा सा वहाँ पे क्रिएटिव सा लिख के आ रहा है। ठीक है, और सब, और जो ताज़ा है वो एकदम उसमें ज़्यादा रेट करके आ रहा है। तो ये वो मेन्यू नहीं है जो आपको इंटरनेट पे मिलेगा या जो आप जनरली सोच सकते हो, ये वो मेन्यू है जो कि आपको आसपास दिखेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एआर में फिजिटल चलेगा, ना डिजिटल और ना ही फिजिकल, ये फिजिटल है कि सामने प्रोडक्ट भी दिख रहा है और सामने वहाँ पे एक मेन्यू पिन भी है या ग्राफिक पिन भी है। जस्ट इमेजिन करो कि आप कहीं पे जा रहे हो और एक फिशरमैन की दुकान पे आपको एक मछली आपके आसपास तैरती हुई वहाँ पे लेके जा रही है, और वो आपको तब दिख रहा है जबकि आपने वो ग्लास पहने हुए। ऐसे नॉर्मल आइज से सब नॉर्मल है, और जैसे आपने ग्लास पहना आप एक यूआई वर्ल्ड में चले गए, आपके आसपास में यूआई का इंटरफेस खुल के आ गया। बेसिकली यही है इस कोर्स का मोटिव, यही आपको समझाना है। तो ये हो गया बेसिकली यूएक्स की, यूजर एक्सपीरियंस, लोगों को क्या चाहिए और किस तरीके से लोग पूछते हैं। सेकेंड पार्ट आता है यहाँ पर डिज़ाइन का। तो जब तक आप अपने लोकल एलिमेंट्स को नहीं जानोगे कि भाई एक लीफ से या एक वॉल पे किस टाइप के आर्टवर्क या किस टाइप के बैनर को ब्लेंड करना है अच्छा लगेगा, तो वैसे आप कैसे चीज़ों को बना पाओगे। आपको अपने लोकल की चीज़ों को समझना पड़ेगा कि भाई ये कैसा है। ये नहीं कि आपने एआर के अंदर भी आप वही फील डाले हो, वही शेप डाले हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। लोकल एलिमेंट्स होंगे, लोकल चीज़ें होंगी। जैसे कि मान लो एक ट्री है,
ट्री को ही आपने एआर वर्ल्ड में अलग ही ट्री बना दिया है ना, कलरफुल अलग ही टाइप का कलर कर दिया है ना। जैसे कि मानो एक वॉल है, खाली वॉल है, उस पर आपने एक ऐसा बैनर को वहां ब्लेंड किया कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बैनर है लेकिन वो मूविंग है। तो ये सारी चीज़ें आपको तब पता चलेगी जब आप अपने आसपास के लोकल चीज़ों को समझोगे। लोकल चीज़ों को समझने का मतलब है कि आप कितना ज़्यादा अपने आसपास के इन्वायरमेंट को समझते हो। इसलिए मैंने आपको बताया था कि आने वाले टाइम में और अभी भी क्रिएटिविटी वही है कि आप अपने आसपास की चीज़ों को कितना जानते हो या कितना समझते हो। तो चैप्टर 3 का पूरा मोटिव यही था कि आपको समझाना कि देसी और लोकल फ्यूचर है। देसी लोकल ये नहीं होता कि आप गांव में जाकर चीज़ों करो, देसी और लोकल ये होता है कि अपने आसपास की चीज़ों का, आप जहां भी रहते हो सकता है आप दिल्ली में रहते हो और हो सकता है बिहार में रहते हो, तो अपने आसपास की चीज़ों को कितना ज़्यादा समझते हो और वहीं से एलिमेंट उठा के आप एक डिज़ाइन AR में बनाते हो। और डिजाइन AR कोई ऐसा नहीं कि भाई ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, ऐसा AR ऑलरेडी आ चुका है। और जो ग्राफिक आप फोटोशॉप में बनाते हो वही सेम ग्राफिक AR में दिखने वाला है, बट उनका जो लुक एंड फील होगा थोड़ा डिफरेंट होगा। हो सकता है कि टेक्स्ट कम हो और हो सकता है कि बटन उसके ऊपर हो, सिर्फ ठीक ग्राफिक के ऊपर बटन हो, जो कि जनरली हम नहीं देखते हैं। वो सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चैप्टर 3 का है गो देसी गो लोकल। गो देसी गो लोकल का मतलब ये नहीं है कि आप गांव में चले जाओ, इसका मतलब यह है कि अपने आसपास की चीज़ों को उठा के डिज़ाइन बनाना। मैं तो करना स्टार्ट कर दिया हूं और मैं रेकमेंड करता हूं कि आप लोग भी ये करना स्टार्ट कर दो। और अपने आसपास भी आप जो भी चीज़ देखते हो वो सब आपके लाइफ में अब काम आने वाला है। तो इसीलिए जितना ज़्यादा देखोगे समझोगे सोचोगे उतनी ज़्यादा आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, समझ रहे हो। AR वर्ल्ड में इंटरनेट पे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, इंटरनेट पे सिर्फ आर्टिकल मिलने वाला है बस, क्योंकि डेटा किसी के पास अभी है ही नहीं। डेटा तो अब हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, क्योंकि AR ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कंपनी उसे नहीं चला सकती, उसे यूजर चलाएगी। जितना ज़्यादा डेटा आप क्रिएट करोगे वो टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा आगे जाएगी, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 का मोटिव है कि डेली आप छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल स्टेप यहाँ पे लो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे इस वीडियो के आने के बाद में सारी की सारी दुनिया ही बदल जाएगी, हर तरफ AR हो जाएगा, सब चीज़ें बंद हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। लेकिन अगर एक्सपर्ट की माने तो 1 या 2 साल के अंदर ऐसा हो जाएगा, क्योंकि एप्पल वो कंपनी है जो हर चीज़ चेंज करती है और एप्पल का AR ग्लास शायद 2024 तक मार्केट में आ जाए या 2024 के स्टार्टिंग में ही मार्केट में आ जाए। इसीलिए एप्पल ने अपना AR किट ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च कर दिया है। UI UX डिजाइनर के लिए AR किट ऑलरेडी मार्केट में है और सारी कंपनी ने, एंड्रॉयड ने, जितनी सारी कंपनी है सब ने ऑलरेडी मार्केट में अपना AR किट लॉन्च कर दिया है कि भाई AR कंटेंट आप बनाना स्टार्ट करो, ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च है। आईफोन्स में और इवन आईपैड्स में एक अलग से सेंसर आना शुरू हो चुका है, लाइडार सेंसर। ये लाइडार सेंसर बहुत जल्द आपके चश्मे में होगा, दैट मीन्स कि आप बाकायदा डेप्थ नाप सकते हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है इस चीज़ में। तो ये तो इन सेंसर्स को देख करके अंदाज़ा हो गया था कि बॉस कुछ बड़ा होने वाला है, इनफैक्ट ऑलरेडी हो रहा है। और टेक्नोलॉजी को हमें थोड़ा सा भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कभी आपने सोचा था कि बिहार के गांव में, छोटे से गांव में भैंस पे बैठ के एक बंदा रील देख रहा है या काचा बादाम देख रहा है? कभी आपने ये नहीं सोचा था, लेकिन ये हुआ और इसको किया जियो ने, जियो 4G ने। लेकिन अब आ रहा 5G और 5G AR के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें स्ट्रीम होगी वो 5G ही चीज़ें करवा सकता है, क्योंकि आपके सामने जो भी चीज़ दिखेगी वो बेसिकली स्ट्रीम हो रही होगी, है ना। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे या आप खुद रिसर्च करके समझ सकते हो ये कैसे है। उसके लिए 5G बहुत इंपॉर्टेंट है और 5G ऑलरेडी आ गया है। तो अब हमें अपने कंटेंट को AR में बनाना स्टार्ट करना होगा, थोड़ा थोड़ा रोज छोटे छोटे एलिमेंट्स रोज ऐड करके हमें AR में डालना होगा। और इसके लिए सॉफ्टवेयर भी मार्केट में आ गया है, सॉफ्टवेयर है अडोब एडियो, जो कि आपको अपने ग्राफिक को AR में कैसा दिखेगा या किस तरीके से एलिमेंट होगा, और बहुत सारे ऑप्शन है जिसके बारे में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। अडोब एडियो सॉफ्टवेयर में आपको सिखाने वाला हूँ। बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि भाई UI UX में क्या सिखाएंगे, XD फिग्मा या क्या सिखाएंगे या फोटोशॉप, बेसिकली अडोब एडियो ही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। जो भी हम डिज़ाइन बनाएंगे अब हम उसको हम AR के स्टाइल में भी बनाएंगे। हम जो ग्राफिक बना रहे हैं वो ऑलरेडी फेसबुक इंस्टाग्राम पे तो पोस्ट हो ही रहा है और जब तक होता रहेगा हम करते रहेंगे, लेकिन अब हम अपने ग्राफिक को AR के लिए भी तैयार करेंगे। और उसके लिए इंपॉर्टेंट है अडोब एडियो जैसे सॉफ्टवेयर या और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसमें जाके आप खुद भी देख सकते हो कि भाई मेरा कॉन्टेंट ऑगमेंटेड रियलिटी में कैसा लगेगा या मेरा ग्राफिक या मेरा आर्टवर्क AR में कैसा लगेगा, वो ऑलरेडी आप यहाँ पे
देख सकते हो, ठीक है। और जैसा कि मेरा स्टाइल है कि भाई मैं सिर्फ भाषा नहीं देता, मैं करके भी बताता हूँ, तो अब इस चैनल पे जो भी ट्यूटोरियल आएंगे बैनर का, वो बेसिकली एआर के स्टाइल का बैनर होगा। हम आज से ही तैयारी करेंगे, तब 2 साल के बाद हम वहाँ पहुँच पाएंगे जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। नहीं तो आप देखना कि जितने भी फेक इंस्टीट्यूट है, मल्टीमीडिया इंस्टीट्यूट है, सब अपने सिलेबस में एआर ऐड कर देंगे और हम सबसे, जितने भी लोग हैं, जितने भी यूथ है, सबसे पैसे ठगना स्टार्ट कर देगा। वो ऐसा ना कर पाए, इसीलिए हमें एआर जो स्किल है, एआर स्किल को हमें फ्री करना होगा, हमें पब्लिक करना होगा, और उसके लिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे हूँ। मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए या फिर वीडियो एडिटर के लिए या फिर मोशन ग्राफिक के लिए एआर बताने वाला हूँ कि जो आपका कॉन्टेंट है वो हम एआर स्टाइल में कैसे बनाए। और हम अब इस चैनल पर समझो 10 वीडियो में से 8 वीडियो एआर के ऊपर होगा, क्योंकि एआर फ्यूचर है और हमें फ्यूचर पे अभी से ही ध्यान देना चाहिए। और हम ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए कम्युनिटी भी बना रहे हैं। अगर आप कुछ भी बनाते हो तो आप जब भी आप पोस्ट करो तो आप ये वाला हैशटैग यूज़ करो, आर्ट फॉर एआर, ये हैशटैग यूज़ करो। और हमने artforar.com भी बुक कर लिया, ये अपना ही वेबसाइट है। और जितने भी आप एआर कंटेंट बनाओगे सब चीज़ को मैं वहाँ पे डिस्प्ले करने वाला हूँ, तो artforar.com भी अपना है। और जब भी आप एआर कंटेंट आपसे बनाओ तो वहाँ पे artforar हैशटैग आपको यूज़ करना है। तो आपका टास्क क्या है? आपका टास्क ये है कि अपने आसपास की चीज़ों को आप देखो और उसको एआर के स्टाइल में वहाँ पे आप बैनर या फिर कुछ भी चीज़ बनाओ, फिर उसको अडोब एडियो में जाके वहाँ पे उसको इंटरेक्टिव बनाओ, उसको प्लेस करके देखो कि भाई कैसे कैसे चीज़ प्लेस होती है। अडोब एडियो बहुत ईजी है, आप खुद भी उसको कर सकती हो। हमसे अच्छा ये कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि हम सारे ग्राफिक डिजाइनर्स हैं बॉस। और हमसे अच्छा एआर कंटेंट कोई नहीं बना सकता, क्योंकि हम ग्राफिक डिजाइनर हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। तो क्या जिंदगी में ना कभी कभी चमत्कार होते हैं, और आज से आप भी इस बात को मानना स्टार्ट कर दोगे। देखो, जब से मैं YouTube पे आया हूँ मैंने टोटल 8 या 9 कोर्सेज बनाए हैं, और जिसका अगर मैं वेबसाइट के हिसाब से प्राइस बताऊँ तो अराउंड 10,000 के आसपास है। लेकिन ये सारे के सारे कोर्सेज वो आपको 1599 में मिल रहा है। ये ऑफर समझ लो आज रात के लिए ही है। देखो, कोई चमत्कार होता है तो लिमिटेड टाइम के लिए ही होता है, ठीक है। तो आज रात तक ये ऑफर है, 1599 में आपको सारे कोर्सेज मिल रहे हैं। इसके अंदर वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और मोशन ऐड, वीडियो ऐड, सारे के जितने भी कोर्सेज है सारे के सारे इस बंडल में इंक्लूड है। तो अगर आप बहुत दिन से प्लान बना रहे थे कि हाँ भाई राजीव का कोर्स लेना है, तो ये वही मौका है जिसका आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे। तो आई थिंक आपको ये मौका को चूकना नहीं चाहिए, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप इस कोर्स को इनरोल कर सकते हो। और ये कोई सपना नहीं है, ये सच में हकीकत है, और नीचे लिंक है, जाओ और जल्दी से इसको इनरोल कर लो। सारे के सारे कोर्स है, जितने भी कोर्स है, सब के सब कोर्स है इस बंडल में।